हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वोकेशनल कोर्सेज में किन किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, साथ ही वोकेशनल कोर्सेज क्या है और आपके वोकेशनल कोर्सेज का यूनिफॉर्म वगैरह क्या है. ओके, तो देखो, सबसे पहले तो बहुत बच्चों ने वोकेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर दिया होगा, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता कि वोकेशनल कोर्स क्या होता है, या फिर आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा कि मैंने फॉर्म तो भर दिया है, मेरा तो सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ये है क्या. तो देखो, वोकेशनल कोर्सेज जैसे एक ट्रेडिशनल डिग्री होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बोटानी, ये सब की तरह जैसे एक ट्रेडिशनल डिग्री होता है, आपको 3 साल का ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है, उसी तरह वोकेशनल का भी डिग्री सेम होता है. ठीक है, तो वोकेशनल कोर्स करने का एक फायदा क्या होता है कि अगर आप में कुछ स्किल्स है और आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक वोकेशनल कोर्स चूज करते हो. मान कर चलो आपको जर्नलिज्म में करियर बनाना है, ठीक है, या फिर आपको वीडियो एडिटर वगैरह बनना है और आप में कुछ स्किल्स भी, और आपको इसी एक पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना है, तो फिर आप फिजिक्स मैथ्स वगैरह लेकर क्या करोगे, तो आप क्या करते हो, वोकेशनल कोर्स जो मास कम्युनिकेशन है आप उससे सेलेक्ट करते हो. ठीक है, तो ये इंडिया में सीबीएसई की तरफ से टोटल 40 वोकेशनल कोर्सेस आया है, जिसमें आपका BRM, इंफोटेक, और आपको पता हो या ना हो मैं आपको बता दूं कि देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपका BBA, MBA, फैशन डिजाइनिंग, ये सभी जो हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंडर में ही आते हैं, यानी कि वोकेशनल कोर्सेज अच्छा होता है. और इसके बाद बात रही आपके प्लेसमेंट, इंटर्न वगैरह की, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो वोकेशनल डिपार्टमेंट्स में थे, तो मैंने उन्हें देखा है कि जब भी मैं उनसे बात करती थी तो बोलती थी, वो लोग बोलती थी कि थर्ड ईयर में उनका अभी इंटर्नशिप चल रहा है, और उनका फिर कुछ कुछ पेड इंटर्नशिप भी होता था, उन्हें पैसे भी दिए जाते थे, साथ ही प्लेसमेंट वगैरह भी होता था. ठीक है, तो आई गेस कि इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि वोकेशनल कोर्सेस क्या होता है, ELL वगैरह जो भी आपका, वो आपका वोकेशनल कोर्सेस में आता है. इसके बाद बात रही आपकी कि क्या ये डिग्री के बराबर होता है, तो हाँ, ये डिग्री के बराबर ही होता है. मेरी एक फ्रेंड है, ELL उसका वोकेशनल डिपार्टमेंट है और वो UPSC का तैयारी भी कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बाकी अब रहा कि आपके कॉलेज में, हमारे कॉलेज में कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसका भी मैं आपको लिस्ट दिखा दे रही हूँ, साथ ही उनमें किनका किनका सिलेक्शन हुआ है. बात रही आपके यूनिफॉर्म टाइमिंग वगैरह की, कि आपका किस कोर्स में कौन सा यूनिफॉर्म है, क्या टाइमिंग वगैरह है, तो सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना हुआ है. आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, अपना यूनिफॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अपना जो भी आपने जिसमें भरा है उसका आप चेक कर सकते हो. तो ये मैंने एक शॉर्ट में बताया है, बाकी आपको अगर डीप एनालिसिस करना है तो आप एक बार गूगल वगैरह कर लो, और कोई सीनियर वगैरह हैं तो उनसे पता कर लो, और फी पेमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल कोर्सेस होता है उसके कंपेरिजन में वोकेशनल कोर्सेस काफ़ी महंगा होता है. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हमारा एडमिशन 25-30 हज़ार में हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप मास्कॉम में एडमिशन लेते हो तो आपको उसमें 50-60 हज़ार लगता है, तो ये थोड़ा महंगा भी होता है. तो चलिए देखते हैं सेंट जेवियर्स में कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेस हैं, साथ ही किनका किनका सिलेक्शन हुआ है.